السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم إسلامي بهيو بزرگو ماو أربهنو أب تمام کا خلاصة قرآن القرآن نامي السيريز میں استقبال ہے خشامديد आज की इस मुलाकात में इन शाला आपके सामने पारा नंबर नौ का खुलासा पेश किया जाएगा पारा नंबर नौ के इतदा में अल्लाह अल्लाबालमीन ने कौम शुब के अंजाम के बारे में ज़िक्र किया है और कौम शुब के ज़िम्मेदारों ने या बड़े मालदारों ने हज़रत शुबात वसलम से किस तरीक़े की बातें की उसका तस्करा अल्लाह ने किया और फिर इन तमाम कौमों की हलाकत हलाकतों बर्बादी का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह क्या कहते हैं वलो वलोअन्ना अहल क़ुरा आ मनु वो कि अगर ये सारी बस्ती वाले कौम नूह कौम आद कौम समूद कौम शब अगर ये सारे लोग सारी बस्ती वाले सारे गांव वाले आ ईमान ले आते वो और अल्लाह का तकवा इख्तियार करते तो क्या फ़ायदा होता लफ़तहना ला फ़तना बराक़ात मिनसम इवलअर्व अल्लाह क्या कहते हैं आसमानों ज़मीन से हम उनके लिए बरकत के दरवाज़े खोल देते हालांकि कद दबू लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया ईमान नहीं लाए तकवा इख्तियार नहीं किया बल्कि झुटलाया फाखदना बिमाकान सिबो तो इनके गुनाहों इनके अमाल की वजह से इनके करतूत की वजह से हमने इन्हें पकड़ लिया पता क्या चला कि ईमान और तकवा एक बंदे की जिंदगी में बरकत का बाइस जरिया और सबब है आगे अल्लाह ने आयत नंबर 105 से लेकर 122 सौ बाईस सुर आराफ़ की आयत जो पारा नंबर नौ का इब्तदाई हिस्सा है अल्लाह हरबालमी ने मूसा मिसाईसलातलम और जादूगरों का मुकाबला निस जादूगरों का ईमान लाना इसका तस्करा किया है एक सौ पाँच से लेकर एक सौ बाईस तक हमने पहले पारे में आपसे वादा किया था कि पारा नंबर नौ में चूंकि तफसील के साथ अल्लाह ने हज़रत मूा सलातम का जिक्र किया है इसलिए पारा नंबर नौ के खुलासे में इस प्रोग्राम में हम तफसील के साथ हज़रत मूा सलात से मुतलिक वाक़ बयान करेंगे तो सबसे पहली बात इस हवाले से कि मूली सलात और जादूगरों का फ्रॉन के जादूगरों का मुकाबला हुआ मूा सलातम इस मुकाबले में जीत गए खुलासे के तौर पर इन शॉर्ट पूरी कहानी पूरा वाक़ आप जानते हैं जब मूा सलातम का मजज़ा देखा जादूगरों ने कि लाठी ने अजहे की शक्ल इख्तियार कर ली और जादूगरों को हार हो गई शिकस्त हो गई खालु आमन ना बबिलमीन तो सारे लोगों ने ये लाइव मुआजा देख कर तोबा कर लिया गुनाहों से शिरक और कुफ्र से और कहा आमन नाबे रबालमीन पूरी दुनिया के रब पर हम ईमान ले आए पूरी दुनिया का रब कौन है फिर अपने आप को भी रब कहता था इसलिए वजाहत के तौर पर आगे कहा रब मूसा व हारून उस रब पर ईमान लाए हैं जो मूसा और हारून का रब है जो फिराओन नहीं फन की बात ही नहीं की उन लोगों ने बल्कि कहा जो मूसा और हारून का रब है उस पर ईमान लाते हैं ईमान ने धमकी दी कि आमन तुम लहो कबल मेरी इजाज़त नहीं थी ईमान ले आए कहा जो करना है जो कर सकते हो इसी दुनिया में कर सकते हो आखिरत में कुछ नहीं कर सकते इन नकवी हादिल हयात दुनिया जैसा कि अल्लाह ने ताहा में पारा नंबर सोलह में जिक्र किया है कि जादूगरों ने जवाब में कहा फ़क्मांत जो करना है कर लो इसी दुनिया में कर सकते हो और ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी चंद है आखिरत में तुम्हें हिसाब देना होगा फिर अल्लाह ने सलाम से मुतल दूसरी चीज़ बयान की कि बनी इसराइल फ़िरौन से डरने लगी ये बेवा हुआ और बड़े पैमाने पर बनी इसराइल डर गए इसलिए कि फ़िरौन प्लानिंग कर रहा था दोबारा से लड़कों को कत्ल करने और लड़कियों को छोड़ देने की और दीगर दूसरे खुराफा और फतहत बचाने की तदबीरें और प्लानिंग कर रहा था सलाम ने उन लोगों से कहा इस्तेनों का अल्लाह के बंदो अल्लाह की मदद मांगो और सब्र करो सबर करोल यू रसू इबादी और याद रखो कि ये जमीन अल्लाह की है ज़मीन का मालिक अल्लाह है वो जिसको चाहता है वरासत दे देता है ज़मीन की खिलाफत बादशाही दे, दे देता है जो चाहता है हुकूमत करता है अल्लाह की मर्जी से अल्लाह के हुक्म से वाकिबकी लेकिन याद रखो कि आखिरत में अंजाम या आखिरी अंजाम जो होता है वो हमेशा मुतकीयों के साथ होता है अच्छा अंजाम मुतकीयों के साथ होता है मूसा अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी समझाया और आगे ये कहा आशा रबुम आयू हली का अदू वकुम वयस तखली फ़ैन जोर कई फ़तः यकीन है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मनों को हलाक करेगा और तुम्हें इस ज़मीन की बादशाहत इस ज़मीन की खिलाफत अदा कर देगा इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आले फिरौन पर किस किस तरीके के अजाब आए उसका तस्करा किया कहत साली आई फलों में कमी हुई तूफ़ान आया टड्डियों का लश्कर अल्लाह ने भेज दिया जिसने इनकी सारी खेतियों को तबाह बर्बाद कर दिया वलुम मला खटमल का, दिया। दिया, का अजाब अल्लाह ने भेज दिया वफ़ाद अल्लाह ने मेढक का अज भेज दिया हर जगह मेढक की मेढक बिस्तर में खाने में पानी में हर जगह मेढक ही मेढक अल्लाह नेजा नासिल कर दिया कि अब ये लोग सुधर जाएंगे अब ये लोग सुधर जाएंगे अब मान जाएंगे वमा अल्लाह ने ख़ून का आजाब बेच दिया पानी खून में तब्दील हो गया जो भी चीज़ है वो खून में तब्दील हो जा रही है अल्लाह ने ख़ून के अजाब में गिरफ़्तार कर दिया आयात ही मुफसलात वाज तौर से अल्लाह ने ये निशानियाँ दी ताकि ये लोग समझ जाएँ फ़िर और उसकी कौम समझ जाएँ फस्तक बरू वह कह रूँ कौम मुजरम लेकिन तकब्बर से काम लिया मुजरम बन बैठे और जब पानी हद से ऊँचा हुआ तो अल्लाह ने कहां तकम नामिन हमने उनसे इंतकाम लिया बदला लिया और फ़िर और उसके लश्कर को समंदर में दरिया में डुबो दिया फिर आगे अल्लाह ने सलाम से मुल्ल एक चीज़ बयान की कि सलाम तूर पर गए अल्लाह ने बुलाया तूर पर वहाँ जाने के बाद मूल सलाम ने अल्लाह से एक दरख्वास्त की रिक्वेस्ट की कि अल्लाह मुझे अपना दीदार करा दे और अब भी अरनी अंगलीख अल्लाह मुझे दिखा दे मैं तुझे देखना चाहता हूँ कल कहा मूसा मुझे नहीं देख सकते तो वला कि मंजूर लेकिन इस पहाड़ को देखो फिन तक्र मकानी अगर यह पहाड़ अपनी जगह ठहर गया तो तुम मुझे देख लोगे मैं अपना दीदार करा फलम दूँ फल अल्लाह ने अपना दीदार अपनी तजल्ली अपना नूर पहाड़ पर फेंका जालूरमू सैका उस एक तजली को इतना भारी भरकम पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सका और टुकड़े टुकड़े में तब्दील हो गया बखर रमोसै और मिसा सलाम बेहोश होकर गिर पड़े फ़लम माफाक़ा जब बेहोशी ख़त्म हुई खाल सुबहान का तुब तुलेख वाना उमोमिन मूा ने कहा अल्लाह तेरी ज़ात पाक है मैं तुझसे तोबा करता हूँ और मैं मुसलमान हूँ यह ख़्वाहिश थी मुलाम के अल्लाह का दीदार करना चाहते थे लेकिन कुरान कहता है कि दुनिया में अल्लाह का कोई दीदार नहीं कर सकता आखिरत में सारे मोमिन सारे मुसलमान जो जन्नती हैं वो अल्लाह का दीदार करेंगे फिर मुसा सलाम पर तोरात का नज़ूल किया अल्लाह ने उसका तस्करा किया كيف اتخذ قوم موسى واكتب لنا كي موسى عليه الصلاه والسلام قال لنا التوراه كتحفاديا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره ان هدنا اليك قال عذابي يصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم بآياتنا يؤمنون الله رب العالمين موسى عليه الصلاه والسلام كتوراه كتحفاديا اور کے ساتھ ساسات اللہ نے يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي एम मूसा मैंने आपको चुन लिया है रिसालत के लिए खुद से बात करने के लिए फखुद माँ आते ही तो कवकुम मीन शाहकिन एम सलाम जो मैं दे रहा हूँ वो ले लो और शुक्रगुजार करने वालों में से हो मूसा मूल सलाम कौम में आए कौम को तोहफ़ा दिया बताया दावत दी और फिर उसके बाद थोड़े दिनों के लिए मुसलाम फिर से कोहेतूर पर गए नामी पहाड़ पर गए अब यहाँ इनकी अपनी कौम में मूसा सलाम के आदमी मौजूदगी में एक सामरी शख्स ने सोने का बछड़ा बनाया और उसमें कलाकारी दिखाकर उससे आवाज़ निकलती थी यजाु ख़ुआाराम खुली जसद अल्लहु खुआार डकार मारता था लेकिन बात नहीं कर सकता था सामरी ने बहकाया बनी इसराइल को फुसलाया और उनके सामने बात रखी कौम वालों ने मान लिया उसको अपना मबूद गुसा सला तो सलाम वापस आए गज़बान ना गुस्से में अफसोस करते हुए बेसमा खलफ तुम उन्नी आ रब भी को कि तुम लोगों ने मेरे बाद बहुत बुरा किया अपने रब के मामले में जल्दबाजी से काम लिया गुसलम अपने भाई हारून को जिम्मेदार बनाकर गए थे उनकी दाढ़ी पकड़ी और उन्हें सरजनिश की तम्बी की डांटा फटकारा और कहा कि मेरे बाद तुमने ये क्या किया तुम्हारे रहते हुए ये काम हो गया तुमने कुछ कहा ही नहीं हारून सलात सलाम ने माजरत की और कहा कौम ने मजबूर कर दिया था मैंने उनको मना किया था लेकिन कौम बाज़ नहीं आई उनसे सलात सलाम को एहसास हुआ कहा रब्लीअ़ी वाद ख़िलनाफ़ी और रहमती का हमारे रब तुम मुझे भी बख्श दे मेरे भाई को भी बख्श दे और हमें अपनी रहमत से जन्नत में और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर ले हमें अपनी रहमत से नमाज दे फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल के बारह कबीलों का ज़िक्रा किया उन पर अल्लाह ने क्या फजल किया था क्या करम फरमाइयाँ थी क्या मेहरबानियाँ थी उनका जिक्र किया अल्लाह ने कि किस किस तरीके से अल्लाह ने हर मोड़ पर उनकी मदद की उन्हें चुन लिया मंतख कर लिया लेकिन उन लोगों ने हेले बहाने से काम लिया हज़रत मूसा सलातम की कौम हमेशा हीला बहाना करने वाली कौम थी उसी से मुतक़ एक चीज़ अल्लाह ने जिक्र की कि हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार करना मना था लेकिन कौम वाले हीला और बहाना से जुमा के दिन या उससे पहले गढ़ा नुमा बना लेते थे मछलियाँ सनीचर को सैटरडे को हफ्ते को आती थी और उस गढ़े में फंस जाती थी ये इतवार को जाकर दूसरे दिन जाकर निकाल लिया करते थे हालांकि ये चीज़ भी मनाती है हीला है बहाना अल्लाह आलमीन ने इनके इस जुर्म में इनकी कौम को पकड़ लिया जो लोग ऐसा करते थे और उन लोगों से कहा कून क़िर दतान ख़ास बंदरों में तब्दील हो जाओ अल्लाह ने इस जुर्म की वजह से उन्हें बंदरों में तब्दील कर दिया यहाँ पर वो सारी सलात व्लाम से मतलब वाक़ा का अखता होता है आयत नंबर वन सिक्सटी सिक्स तक फिर आयत नंबर वन सेवेंटी टू वन सेवेंटी फ़ोर इन तीन आयतों में अल्लाह रबालमीन ने अल्तु का वादा याद दिलाया है अलस्तु का वादा कौन सा है हम और आप को अल्लाह ने पैदा किया अपने सामने खड़ा किया और पूरी दुनिया के इंसानों से पूरी जरूरीत से पूरी मखलूक से अल्लाह ने एक वादा लिया था अलस्त रब क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ कलू बला तमाम लोगों ने कहा था कि क्यों नहीं अल्लाह तो ही हमारा रब है अल्लाह ने ऐसा क्यों किया अंतकूलू यूमलियामती कुन्नादा गाफिलेन अल्लाह ने कहा ताकि तुम ये ना कह सको कि अल्लाह हम तो इससे गाफ़िल थे हमें पता ही नहीं था कि तू हमारा रब है और फिर उसके बावजूद भी अल्लाह रबालमीन ने दुनिया में आने के बाद इंसानों की हिदायत के लिए पैगंबरों का सिलसिला जारी किया किताबें नाज़िल की ताकि हुज्जत कायम हो जाए और कोई ये ना कह सके कि कोई समझाने वाला कोई डराने वाला कोई बताने वाला नहीं आया कोई नसीहत की बात हम तक नहीं पहुँची इसी लिए अल्लाह रब्लमिन ने यह वादा याद दिलाया है मैं और आप वादा करके आए हैं अल्लाह से अल्लाह को अपना मबूत समझें अल्लाह को अपना रब माने और जो एग्रीमेंट हमने अल्लाह से किया है उस एग्रीमेंट पर क़ायम रहें और उसको पूरा करते रहें फिर आगे अल्लाह ने इंसान जानवरों से भी गया गुज़रा है उसका तस्करा किया लेकिन इंसान जानवरों से भी गया गुज़रा कब होता है फ़रमाया वलक़द जहन्नम वलकराली जहाम जिन् वस लहुम ला कहून बिहा इंसानों और जिन्नातों में कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास दिल है लेकिन वो समझ नहीं सकते आँखें हैं लेकिन देख नहीं सकते कान हैं लेकिन सुन नहीं सकते उला एक कलनआम बल हम अवल ये चौपायों के जानवरों के जैसे हैं बलह अव्वल बल्कि उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे हैं उलाक हमफ़िल ये लोग गाफ़िल हैं ये लोग गफलत में पड़े हुए हैं ऐसे लोगों को पलटना चाहिए ऐसे लोगों को अल्लाह हरब्लामीन की तरफ आना चाहिए फिर अल्लाह ने इस सूरा के अंदर ही आगे चल कर एक बात और जिक्र की कि बहुत सारे लोग प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफ़ा नुकसान का मालिक समझते हैं उन्हें आलिमुल आलमिल्ब समझते हैं अल्लाह ने कहा कुल ला काकुल्लामलिक्लिनफ़ी नफ़ा वला वरिल्ला माशा अल्लाह कह दीजिए कि मैं अपनी ज़ात के लिए किसी नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं हूँ बोलेक्कुन तो आलैब अलसर मिनल ख़ैर और अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मैं बहुत सारा खैर जमा कर लेता वमा मस्सनी सू और कभी भी कोई मुसीबत कोई बीमारी मेरे पास नहीं आती इन अना इल्ला नज़ीरू व बशीरौमी यू इन मैं तो सिर्फ़ एक डराने वाला खुशखबरी देने वाला हूँ उन इंसानों को जो ईमान लाने वाले हैं ईमान लाने वालों के लिए मैं बशर व नज़ीर हूँ पता यह चला कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी जात के लिए नफा नुकसान के मालिक नहीं थे आलिमैब नहीं थे अगर आलिम़ैब होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए बहुत सी अच्छाइयाँ जमा कर लेते बहुत सारी खराबियों से बीमारियों से अपने आप को बचा लेते बहुत सारे मशाकिल से मुसीबतों से अपने आप को बचा लेते लेकिन हम जानते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसीबतें आईं तकलीफ़ें आईं आपको बीमारी हुई अगर आप

और ये काम करते हुए अगर किसी गंवार इंसान से किसी कम पढ़े लिखे से किसी जाहिल नुमा इंसान से अगर मुलाकात हो जाए वो आपसे बहस करने लगे तो ऐसे लोगों से बहस मत करो बल्कि ऐसे लोगों से दामन झाड़ लो एराज कर लो पीठ पीछे करके उन लोगों से निकल जाओ ऐसी महफिलों में मत बैठो मुझे और आपको भी माफ़ी से काम लेना चाहिए भलाई का हुक्म देना चाहिए और बुराई से रोकने का काम करना चाहिए और बहस जाहिलों से नहीं करनी चाहिए गंवार लोगों से जो कटुजती करते हैं जो हर धर्मी पर अड़े रहते हैं ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए फिर सुर आराफ के बाद अनफाल का अल्लाह ने तस्करा अनफाल ये नफल की जमा है जिसके माने जायद होते हैं इसीलिए फ़र्द और सुन्नत मौदा से जायद जो हम नमाज़ पढ़ते हैं उसे नफली नमाज कहते हैं इसलिए कि वो जायद हुआ करती है वो हम अपने फ़ायदे के लिए सवाब जमा करने के लिए करते हैं अनफ़ाल माल गनीमत माल गनीमत को कहते हैं जंग में दुश्मन का छूटा हुआ माल जो मुसलमान जमा करते थे उसे अनफ़ाल कहा जाता था जिसे माल गनीमत से ताबी किया जाता है इसलिए कि वो जायद होता था वो मुसलमानों का नहीं होता था लेकिन दुश्मन छोड़कर भागा है तो दुश्मन का माल अपना माल हो जाता था इसलिए उसे अनफ़ाल कहते हैं फिर उसके बाद अल्लाह ने इस सूरा के अंदर यानी अनफाल के इब्ता में अल्लाह ने अनफ़ाल से मुतल कहा कि लोग आपसे अनफ़ाल के बारे में पूछते हैं तो कह दीजिए कि खुलानफाल वर रसूल ये अनफ़ाल जो माल है ये अल्लाह का है रसूल का है और अल्लाह का माल इंसानों में तकसीम हो जाएगा फिर अल्लाह ने दूसरी आयत में मोमिनों की सिफात का तस्करा किया इन कामूनदीन इजाद हो जिलत ख़ुलब हो कि मोमिन वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल लरस जाते हैं कहाँ उठते हैं वही ऐतुल तम आया तो ज्यादातु में ईमाना और जब उनके ऊपर अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा होता है क्या पता चला कि कुरान आप पढ़ेंगे तो आपके ईमान में इजाफा वरमदीम तवकलो और ये मोमिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ अपने रब पर भरोसा करते हैं अल्लादीन सलातूनः ज़क़़त उमिन मारजनाओमिनफ़ून कि जो ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं ज़कात देते हैं जो कुछ हमने दिया उसमें से ख़र्च करते हैं उल्क उमोमिनक् यही सच्चे और पक् और हक़ीक मुसलमान हैं मोमिन है। लहम मकफ़ुरतम वरिस खुन करीम ऐसे लोगों के लिए मगफ़रत है बख्शिश है और बहुत अच्छी रोज़ी अल्लाह ने तैयार की हुई है फिर अल्लाह रब्लम ने आगे गजवे बद्र का तस्करा किया है कि किस तरीक़े से अल्लाह ने गजवे बद्र में मुसलमानों की मदद की और काफिरों को शिकस्त दी तीन सौ तेरह के तादाद ने एक हज़ार की तादाद को एक हज़ार के लश्कर को हरा दिया बगैर बगैर किसी ज़ाहिरी साजो सामान के ऊँट कम थे घोड़े नहीं थे हथियार तलवार औज़ार कम थे लेकिन अल्लाह के भरोसे अल्लाह की मदद और ईमान के भरोसे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के नतीजे में मुसलमानों को फतेह हुई मुसलमानों को इस जंग में कामयाबी मिली और काफिरों को शिकस्त से दो चार होना पड़ा ये पहली जंग थी जो मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर काफिरों से लड़ी और मुसलमानों को कामयाबी मिली और उनका भरोसा अल्लाह पर मज़ीद मजबूत हुआ फिर अल्लाह ने इसी बीच में मैदान जंग से पीठ फेरने का अंजाम जिक्र किया है कि जो भी बंदा मैदान जंग से बिला किसी वजह के पीठ फेर कर भागता है फ़कत बा अबी ग़त बिबील ऐसा बंदा अल्लाह के गज़ब को दावत देता है उमा वाहु जहन्नम ऐसे बंदे का ठिकाना जहन्नम और भी सलमसीर और जहन्नम बहुत बुरी जगह है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा था कि सात हलाक करने वाली चीज़ों से बचो उसमें से एक चीज़ आपने कहा था वह तवली की मुलाकात के दिन जंग वाले दिन पीठ फेर कर भागना ये भी हलाक बर्बाद करने वाले गुनाहों में से है कबीरा गुनाहों में से है फिर अल्लाह ने अल्टीमेटम देते हुए नसीहत करते हुए कहा वफ़ित्लाबी नमौिन को मुखादसा बहुत सारे लोग फितने फसाद के वक्त ये समझते हैं कि हम तो सेफ़ साइड में हैं हम बच जाएंगे अजाब नहीं आएगा और हम तो अच्छाइयाँ करते हैं अल्लाह हमें मुसीबत में क्यों गिरफ्तार करेगा अल्लाह ने कहा उस फितने से बचो जो सिर्फ़ जालिमों के लिए नहीं आता ला न लदीन नमिन को मुखादसा जो 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 सिर्फ़ झालिमों के लिए नहीं आता बल्कि आप जानते हैं मिसाल भी आपको मालूम है कि गेहूँ के साथ गुन भी पीसा जाता है जब जालिमों के ऊपर अजाब आता है तो उसी चपेट में अच्छे अच्छे लोग भी आ जाते हैं ये अलग मामला है कि उनके साथ उनके अमल के मुताबिक फ़ैसला होगा लेकिन बचने की कोशिश करनी चाहिए बचेंगे कैसे अच्छे काम करके जालिमों का हाथ रोक करके फितना फसाद से अपने आप को बचा करके लोगों को गलत कामों से रोक करके आप इस तरीक़े की मुसीबतों से अपने आप को बचा सकते हैं फिर हिजरत का तस्करा किया अल्लाह ने कि हिजरत के मौके से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की प्लानिंग हो रही थी मारने की प्लानिंग चल रही थी कि रसूल को मार दिया जाए ये जो मोहम्मद जो अपने आप को नबी कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मार दिया जाए कत्ल कर दिया जाए वही जियम कुरबीना काफा लियूस बीतू का अवयुलू का अवयुचू का लोगों ने कहा कि या तो इसे कत्ल कर दो या तो इस ज़मीन से निकाल दो वयम खुरुना वयम खुर वल्ल खैरम्रीन ये लोग अपनी प्लानिंग कर रहे थे अल्लाह अपनी प्लानिंग कर रहा था और अल्लाह बेहतरीन प्लानिंग करने वाला है और इसी बेहतरीन प्लानिंग के नतीजे में अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही सलामत मक्का से निकाल कर उस इलाके से निकाल कर जहाँ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर कर रखा था वहाँ से बहफाजत निकाल कर गारे सौर ले गया गारे सौर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना तक का साढ़े चार सौ किलोमीटर का सफ़र तय किया अल्लाह की जानिब से रास्ते में हिफाजत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत मदीना पहुँच गए फिर आखिरी बात जो अल्लाह रब्लमिन ने इस पारे के अख़ीर में बयान की है फरमाया अगर अल्लाह के अजब से बचना है अल्लाह रब्लम ने यह कहा है कि अगर अजाब से बचना चाहते हो तो उसके दो ऑप्शन तुम्हारे पास हैं पहला ऑप्शन ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वम उस जमत में मौजूद हो, तो अल्लाजाब नाजिल नहीं करता लेकिन आज नबी हमारे दरमियान नहीं है प्यारे रसूल सल अल्लाह वसम का इंतकाल हो चुका है अब अजाब से बचना है तो कौन सा तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए अल्लाह कहते हैं अम खान अल्लाबाऊ वह हम यो अगर ये ज़मीन वाले ये मुसलमान अगर इस्तफार करते रहें अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगते रहें तो अल्लाह ऐसे लोगों को अज़ाब नहीं देगा ऐसे लोगों पर सजा नाज़िल नहीं करेगा आज देखें हम मुसलमानों ने हम सभी ने इसतफ़ार करना छोड़ दिया है इस्तार नहीं करते हालांकि इस्तार के कितने फ़वाइद हैं कितने फ़वाद हैं जो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद हैं हमें इसतफफार को लाजिम पकड़ना चाहिए इसतफार हमारी ताकत है इसतफफार हमारा हथियार है और इस हथियार के जरिए हमें दुश्मन की ताकतों का मुकाबला करना चाहिए अशत फिरुल्लह इस बड़ा आसान सा जुमला है जहाँ कहीं भी आप रहें यह जुमला अपनी ज़बान से अदा करते रहें यह ज़िक्र करते रहें आप देखें इसके फवाद इसकी निशानियाँ इसके असरा आपको अपनी ज़िंदगी में नज़र आएंगे और आपकी ज़िंदगी रोशन होगी बरक़तों वाली होगी और फिर इस पारे के आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों को एक मैसेज दिया कफ़रू इन कुल्लिन काफ़र हूँ इनतूँ युफ़रल माकलफ़ कहा ए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुफ्र करने वालों से कह दीजिए कि अगर ये अपने कुफ़्र से बाज़ आ जाएँ ये कुफ्र का रास्ता छोड़ दें और दीन इस्लाम पर चले आएं युफफ़रल कदलफ़ तो पिछले तमाम के तमाम गुनाह इनके माफ़ कर दिए जाएंगे चाहे वो कोई भी गुनाह हो किसी भी लेवल का गुनाह हो सारे गुनाह इनके माफ़ कर दिए जाएंगे व इन यक़त मदर सुन्नतौन और अगर फिर दोबारा इन्होंने ऐसा कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया तो पहले के लोगों का तरीक़ा मौजूद रहा है पहले के लोगों के वाक़ात पढ़ लें कि अल्लाह ने उनके साथ कैसा सलूक किया किस तरीक़े का सलूक किया ये पारा नंबर नौ का ख़ुलासा आपके सामने पेश किया गया जिसके अंदर अल्लाह ने बहुत सारी बातें हमारे सामने पेश की हमें मुख्तलि तरह के मैसेजेस दिए पैगाम दिए इसबाक दिए ज़रूरत इस बात की है कि मैं और आपने मजीद पढ़ें समझें गौर फिक्र करें और उसकी बातों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको प्यार रसूल अलैहि वसल्लम के कामिल और मुकम्मल इतवा करने की तोफ़ी ख़तः फरमाए आमीन सल अल्लाह नबील करीम रबाना तो कब्बल मना इन्ना कंतमीआम असलकुम् वरक ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें